मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुसार हर जिले में बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा से अछूता न रह जाए, जिसमें आज पन्ना जिला शिक्षा अधिकारी व कांग्रेस विधायक शिवदयाल वागरी द्वारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र ग्राम अमानगंज के रामपुर हाई स्कूल में जिला स्तरीय प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्र विधायक शिवदयाल वागरी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विधायक सहित जिला शिक्षा अधिकारी ने बच्चों के माता पिता से आग्रह कर कहा कि अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए नियमित स्कूल भेजें, जिससे आपके बच्चे पढ़ लिख कर ग्राम सहित प्रदेश का नाम रोशन करें। वहीं कार्यक्रम में जगदीश प्रसाद पांडे के द्वारा क्षेत्र विधायक के समक्ष क्षेत्र की महती आवश्यकता, आदिवासी छात्रावास और बांध की मांग रखी गई, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए क्षेत्र विधायक ने क्षेत्र की जनता को पूर्णतः विश्वास दिलाया और यह घोषणा की कि मैं जल्द ही रामपुर में आदिवासी छात्रावास खुलवाऊंगा और यहां की सारी समस्याओं को स्वतः संज्ञान में लेकर हल करने का प्रयास करूंगा। और सिर्फ मैं ही विधायक नहीं हूं, यहां का प्रत्येक ग्रामवासी विधायक है, वह किसी भी समय मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तदोपरांत विद्यालय की छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं दूर दराज के बच्चों को साइकिल अतिथियों के हाथों से वितरित की जाएगी। आज का कार्यक्रम तो ये था कि सबसे शिक्षा जो शिक्षा का स्तर डाउन है, जो हमारी शासन की उद्देश्य है कि बच्चों का भविष्य उज्जवल में रहे, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो और उनका भविष्य उज्जवल में रहे। बच्चों को या बच्चों के अभिभावकों को समझाएंगे? हाँ, उनको भी दी गई है कि शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी भी दायित्व तो बनता ही है, लेकिन उनसे दायित्व उनके गार्जियन को भी बनता है, माँ बापों को भी बनता है कि अपने बच्चों को भेजें। इस विषय पे जैसे आपका एक प्रभावित है डूब में और ये शासन से अनुरोध किया गया है, शासन की मानसिकता है कि उनको यदि डूब में है उनको कहीं ना कहीं व्यवस्था की जाएगी। पन्ना से राम नरेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।